हाय गाइस, दिस इज सीए भरत शर्मा एंड एज वी ऑल नो कि इस समय क्वारंटीन का टाइम चल रहा है और आप सबकी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी इफेक्टेड तो हो ही रही है। तो अब जैसा कि आपको पता है, सिर्फ आपकी पढ़ाई इफेक्टेड नहीं हो रही है, हमारा ऑफिस का काम भी इफेक्टेड हो रहा है, हम अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के संग थोड़ा सा इस जीएसटी के बारे में गुफ्तगू कर ली जाए, थोड़ा सा ज्ञान बांट लिया जाए, थोड़ा सा आपको जीएसटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, क्योंकि वैसे तो आई एम नॉट अ टीचर, बट एक आप लोगों को अगर बेसिक आइडिया जीएसटी का रहेगा तो व्हेन यू विल बी स्टडिंग जीएसटी इन योर करिकुलम एंड इन योर क्लासेस या जहां भी आप पढ़ेंगे, तो उससे आपको इसमें काफी मदद मिलेगी। आपको एकदम से नहीं लगेगा कि बहुत एकदम नई चीज है या एकदम से हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसमें आपको लगेगा हाँ, हमने इसके बारे में सुना हुआ है, थोड़ा थोड़ा समझा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो चलो ठीक है, इतना टफ नहीं लग रहा है, ये आ रहा है समझ में, सही है, सही गाड़ी चल रही है। और वैसे भी आपकी मैम के संग जो भी रहे तो उसको कुछ ना कुछ वीडियो बनाने का और पढ़ाने का कीड़ा ना काटे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो रोज वो देख देख के मैंने सोचा कि अब मुझे भी ऐसा कुछ कर लेना चाहिए इससे पहले कि ये क्वारंटीन का टाइम खत्म हो जाए और मैं पागल हो जाऊं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले आपको टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, जैसा कि वैसे तो आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, पर मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाता हूँ कि टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है। ऑब्वियसली ऐसा कि आपको पता है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन में ऑब्वियसली इनकम टैक्स कवर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पहले तो बहुत सारे टैक्सेस कवर होते थे। स्टेट लेवल पर बहुत सारे टैक्सेस थे और सेंट्रल लेवल पर और बहुत सारे टैक्सेस थे, और कोई बंदा अगर यूपी स्टेट में है तो उसको यूपी स्टेट वाले भी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉलो करने पड़ते थे, और सेंट्रल वाले भी जो जो उस पर एप्लीकेबल होते थे वो सारे फॉलो करने पड़ते थे। पर आज की डेट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसके बस दो ही कंपोनेंट मेनली रह गए हैं, जो आपको पूरी ताउम्र सीए में आप फाइनल तक जाएंगे तो भी वही दो पढ़ाए जाएंगे, वो है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। अच्छा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या होता क्या है, कि इस तरीके से क्यों होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट नाम क्यों है इसका। इसको कमोडिटी टैक्स भी बोला जाता है। वो इसलिए है कि कमोडिटी टैक्स, इसका नाम इस तरीके से पड़ा कि कमोडिटी टैक्स में जो कमोडिटीज होती है उस पर ये लगता है। डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है कि तुमने जो कमाई करी, तुम्हें जो सैलरी मिली, तुमने जो बिजनेस में टर्नओवर से जो प्रॉफिट कमाया, उस पे सीधे तुम्हें प्रॉफिट पे एक फिक्स्ड परसेंटेज पर कैलकुलेशन स्लैब के बेसिस पे तुम्हें वो टैक्स दे देना है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है, स्पेशली जो मेन लास्ट कस्टमर है उसको पता ही नहीं चलता कि वो वाला टैक्स पे कर चुका है, और वो टैक्स वो वाला जब वो कमोडिटी खरीदता है तो वो उस टैक्स को उस प्राइस में इंक्लूसिव होके पे कर देता है और अपने घर कमोडिटी ले आता है। तो ये कमोडिटीज पे लगता है। इनडायरेक्टली इसलिए हो गया क्योंकि डायरेक्टली आपने कोई अपनी जेब से नहीं दिया, पर आपने कोई सामान खरीदा तो उसके अंदर क्या कहते हैं वो लग के आ गया, उसमें वो कवर हो गया, इस वजह से इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्सेशन पड़ा है। और इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें जो बिजनेसमैन होते हैं, जो हमारे अलग अलग बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, होलसेलर्स हैं, तो उन सबको ये टैक्स कलेक्ट करना होता है अपने आगे वाले कस्टमर से। जैसे मैन्युफैक्चरर होलसेलर से कलेक्ट करेगा, होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट करेगा, रिटेलर फाइनल कस्टमर से कलेक्ट करेगा, तो बस वो सामने वाले से कलेक्ट करते हैं अपने बिल में लगा के और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो दे आर जस्ट मीडियम, वो लोग सिर्फ एक मीडियम है उस टैक्स को पे करने का। अल्टीमेटली उस टैक्स का बर्डन जो होता है वो फाइनल कस्टमर को ही बॉर्न करना पड़ता है, ना कि इन लोगों को। पर हाँ, जो रिटर्न फाइलिंग की, टैक्स भरने की, ये सारी रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज हैं, ये मर्चेंट को जो अपने अलग अलग लेवल के होते हैं उनको पूरी करनी होती है, रादर देन किसी फाइनल कस्टमर को। तो इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्सेशन पड़ा है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी की बात करें तो अब आज की डेट में मेनली जीएसटी टैक्स ही है जो सारी चीज़ों पर लग रहा है, सब कमोडिटीज पर, गुड्स सर्विसेज, इसका नाम ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, तो ये गुड्स पर भी लगता है, सर्विस पर भी लगता है। ये एकमात्र पहला ऐसा एक्ट 1 जुलाई 2017 को आया जो गुड्स और सर्विसेज दोनों को कवर करता है। अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि आज तक की हिस्टोरिकल डेट में कभी भी ऐसा कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था जो गुड्स को भी कवर करता हो और सर्विसेज को भी कवर करता हो। या तो वैट डिपार्टमेंट का यूपी वैट, अपना मध्य प्रदेश वैट, दिल्ली वैट था, वो सिर्फ गुड्स को कैटर करता था,
और सर्विस टैक्स था सेंट्रल का एक्ट, जो पूरी इंडिया में सारे के सारे सर्विस टैक्स के प्रोवाइडर्स हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, उनको कवर करता था। यानी कि क्या हुआ कि गुड्स अपना अलग टैक्सेशन सिस्टम में चल रही है, सर्विसेज अपना अलग टैक्सेशन सिस्टम में चल रही है। जीएसटी में हमने, इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये विचार करा कि हमें इस पूरे सिस्टम को एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाते हुए एक साथ लाना है गुड्स और सर्विसेज को। क्योंकि आज की डेट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जो कहे कि मैं सिर्फ गुड्स में डील करता हूँ, या मैं सिर्फ गुड्स परचेज करता हूँ, मैं सिर्फ सर्विसेज में डील करता हूँ, या मैं सिर्फ सर्विस परचेज करता हूँ। हर आदमी हर काम कर रहा है, छोटे से छोटा व्यापारी या बड़े से बड़ा व्यापारी। आप मेरी बात करें, अगर आप मैं अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाली सर्विसेज देता हूँ, पर मैं स्टेशनरी भी परचेज करता हूँ, मैं बुक्स परचेज करता हूँ, मैं पेपर परचेज करता हूँ, मैं पेन परचेज करता हूँ, तो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली सर्विसेज दे रहा हूँ। तो पहले पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता था कि मुझे जो, मैंने, क्योंकि मैं सर्विस, मेनली मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरी आउटपुट जो है वो है आउटपुट सर्विस, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो इनका जो गुड्स खरीद के लाता था, इनका जो टैक्स होता था मेरा, वो मारा जाता था, मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, उसका मुझे कोई ITC नहीं मिलता था। ITC क्या होता है? ITC अभी हम, मैं आपको अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ITC। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज द कोर वर्ड विच विल बी यूज थ्रू आउट द इनडायरेक्ट टैक्सेशन, थ्रू आउट द GST। तो आपको ITC वर्ड का मतलब सरल शब्दों में पता होना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एकमात्र जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट आया, तो उसमें ये चीज आई कि गुड्स भी कवर होंगी और सर्विसेज भी कवर होंगी। इसका काफी पहले से आने की बात चल रही थी, 2000 पहले साल 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने इसको लाने की बात करी, 2005 में एक कमेटी का गठन हुआ कि जो इसके ऊपर विचार करेगी, फिर 2010 में पी चिदम्बरम, हमारे जो उस समय के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पे लाने की बात करी कि अब हम इसको लगाएंगे, पर वो विद टाइम डिले होता रहा विद ड्यू टू मैनी पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिकल रीजंस। पर जब NDA की गवर्नमेंट आई 2014 में, तो दे मेड इट अ पॉइंट कि हम इस GST को अपने कार्यकाल में ही इफेक्टिव करके रहेंगे। 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने इस पे काम करा, उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली फिर से तैयार करा, एंड ऑन 1st July 2017 दे फाइनली लॉन्च्ड विद लेट अरुण जेटली जी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने उसको लॉन्च करा, एंड 1 अप्रैल 2017 को आपके सामने GST आ गया और आपकी अल्टीमेटली बुक्स में भी आ गया। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, सब पूछेंगे, आपके भी दिमाग में आता ही है, आना भी चाहिए, कि वाई GST, हमें GST की ज़रूरत क्यों पड़ी? पुराने टैक्स सिस्टम था, इनकम टैक्स भी चल रहा है 1961 से अब तक, वही चल रहा है, इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं आया, अमेंडमेंट आते रहते हैं वो अलग बात है, पर पूरा का पूरा एक्ट तो उठा के चेंज नहीं करा गया ना। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सर इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप एक पुराने जो सर्विस टैक्स थे, वैट थे, सेंट्रल एक्साइज थे, उनको ख़त्म करके आप एक अलग ही एक्ट बना रहे हैं, हम लोगों को एक अलग पढ़ाई करनी पड़ रही है, आपको करनी पड़ रही है, मुझे करनी पड़ रही है, खुद अपने प्रैक्टिस में सर्वाइव करने के लिए, या आप जैसे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, तो इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत पड़ी क्यों हमें आखिर? ऐसा क्या था जो पुराने एक्टों में नहीं था और इसमें है? इसके कुछ आसान, मैंने जैसे कि आपको दिए कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा, उन सिंपल पॉइंट्स के थ्रू आपको समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत वाकई में क्यों पड़ी। पहला जैसे कि उठाएगी डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो ITC और वन टू अनदर, जो मैं अभी जस्ट पहले अपना एग्जाम्पल देके बात कर रहा था, ये उसी पॉइंट को बात कर रहा है। उससे पहले काम करते हैं हम, ITC शब्द समझ लेते हैं। ITC क्या है? ITC कुछ नहीं होता, ITC मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। तीन शब्द है, इनपुट आने वाला, टैक्स ऑब्वियसली टैक्स, एंड क्रेडिट, हमें उसका क्रेडिट यानी लाभ मिलता है। ठीक है, तो इनपुट आने वाले टैक्स का लाभ मिलना, यानी परचेज करी गई हुई कोई चीज, हमने परचेज करी, हमारे परचेज इनपुट हो गया। अब हम परचेज गुड्स भी कर सकते हैं, हम परचेज सर्विसेज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मेरे से ITR भरवाया, तो आपने मेरे से सर्विस परचेज करी। अगर मैंने आपको दूध बेच दिया, तो आपने मेरे से गुड्स परचेज करी। इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो आपने दो चीजें मेरे से परचेज करी, आपने या तो दूध मेरे से परचेज करा, अगर मैं दूध वाला हूँ, हो भी सकता हूँ, और आपने वरना मेरे से अपना ITR भरवाने की सर्विस तो परचेज करी ही करी। तो जब आप इस तरीके से गुड्स और सर्विसेज पूरी दुनिया में सब लोग, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी डीलर है, वो परचेज कर रहा है, तो परचेज करते टाइम ऑब्वियसली बिल पर टैक्स लग रहा है। आप रेस्टोरेंट पर भी खाना खाते हैं, आप मैकडोनल्ड में भी जाते हैं, आप डोमिनोज में भी जाते हैं,
आप सारे के सारे इन कैफेज में जाते हैं, तो इन पर आप जब इनका बिल उठा के देखते हैं तो नीचे लिखा होता है CGST SGST टैक्स करके, ठीक है। तो वो टैक्स आप पे करके आ रहे होते हैं, ठीक है। आप वो पे करके आ गए, अब मान लीजिए आप तो एंड यूजर थे, आप कस्टमर है ज्यादातर, आप में से कोई एज सच बिजनेसमैन एज ऑफ नाउ की कैपेसिटी में नहीं है, पर अगर आप होते तो आपने जो रेस्टोरेंट में आपने बिल पे करा वो आपकी इनपुट सर्विस हो जाती, और वो जो टैक्स आपने करा पे वो आपका ITC हो जाता। तो यानी कि उस टैक्स को आप कभी भी, वो टैक्स एक गुल्लक की तरीके से आपका जमा होता जा रहा है, ठीक है। उस गुल्लक में आपने रेस्टोरेंट में बिल पे करा, उसका टैक्स जमा हो गया, आपने कोई सामान खरीदा उसका टैक्स जमा हो गया, आप जो मेन रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली इसमें जमा हो ही रहा है, आप कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, आपने कार खरीदी, आपने टीवी खरीदा, आपने एयर कंडीशनर खरीदा, उसका उसमें जमा हो रहा है, आपने सर्विसेज परचेज करी उस पर जो टैक्स दिया जैसे CA की, आर्किटेक्ट की और भी बहुत सारी, तो उस पर जो टैक्स पे करा आपने वो भी आपका उस गुल्लक में जमा होता जा रहा है, पे करके आते हैं, बिल रख लेते हैं अपने पास, और उस बिल को रखने की वजह से आपकी उस गुल्लक में टैक्स भरता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया जो टैक्स हम पे करके आ रहे हैं हमारी जो गुल्लक में रखा हुआ है, इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आउटपुट टैक्स क्या होता है, सिमिलरली बहुत इजीली, जैसे अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं जो आउटपुट दे रहा हूँ, CA की सर्विसेज दे रहा हूँ, वो मेरा आउटपुट है। कोई अगर TV बेचने वाला है, कोई लैपटॉप बेचने वाला है, कोई मोबाइल बेचने वाला है, तो वो जो मोबाइल बेच रहा है, TV बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, वो उसका आउटपुट गुड्स है, उसके केस में आउटपुट गुड्स है, मेरे केस में आउटपुट सर्विसेज है। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक बंदा जनरली, और जनरली नहीं हो, अगर वो दोनों में भी रजिस्टर हो जाए, वैसे तो एक में ही रजिस्टर होता था क्योंकि गुड्स वाला सिर्फ अपने वेट डिपार्टमेंट में रजिस्टर रहता था और सर्विसेज वाला सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर होता था। पर प्रॉब्लम क्या होती थी कि वेट और सर्विस टैक्स, वेट है अपना UP का और सर्विस टैक्स है अपना सेंट्रल का, तो सेंट्रल और स्टेट वाले आपस में एक दूसरे को जो टैक्स पे करके आए उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। जैसे कि वही एग्जांपल कि मैंने अगर पेन और पेपर परचेज करा, रिम परचेज करी, तो मैंने गुड्स परचेज करी, मैंने अगर आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली तो मैंने सर्विस परचेज करी अपने ऑफिस बनाने के लिए। अब मेरे पास इन दोनों का टैक्स पेड का ITC आ गया, ठीक है। अब मेरी उस गुल्लक में जमा हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मैंने आगे चल के CA की सर्विसेज दी, ठीक है। अब उन सर्विसेज पर मेरे को टैक्स पे करना है, ठीक है। मैं सामने वाले कस्टमर से ऑब्वियसली वसूलूंगा, उसको बिल लगा के दूंगा, पर फिर उसको बिल लगाने देने के बाद अल्टीमेटली मुझे तो सरकार को पे करना है। अगर मैंने 2000 में उसका ITR फाइल कराए और उस पर मैंने 180 रुपये का टैक्स चार्ज करा और 2000 और 180, 2180 रुपये से लिए, अब 180 मुझे जो रुपए हैं वो सरकार को पे करने हैं ना, तो उन 180 रुपये को जनरली तो क्या होता है कि 180 रुपये को मेरे पास जो मेरी गुल्लक में टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ था, जो मैंने पेपर की रिम की परचेज पर दिया था, आर्किटेक्ट की सर्विसेज पर जो दिया था, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, मुझे कैश में जमा करने की जरूरत नहीं है वो, ठीक है। क्योंकि सरकार का मानना है आप ऑलरेडी पीछे टैक्स पे करके आ रहे हो अलग अलग चीजों का, और आपको ये टैक्स पे करना है वो अलग चीज का, पर आप एक सिंगल बंदे हो और आपको ही ये टैक्स पे करना है, और आप ये टैक्स पे ऑलरेडी करके आ रहे हो, तो जो पीछे से टैक्स पे करके आ रहे हो ना उसका बेनिफिट ले लो और अपना टैक्स पे मत करो। पर ये GST में जो मैंने बात बताई ये वाली, ये तो बहुत इजीली एप्लीकेबल हो जाती है और ये मेरी गुल्लक सेम रहती है। अपना जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था वैट का और सर्विस टैक्स का, उसमें क्या होता था कि वैट की अलग गुल्लक बनती थी, सर्विस टैक्स की अलग गुल्लक बनती थी। और क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं गुड्स का प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं अल्टीमेटली सर्विस प्रोवाइडर ही हूँ, क्योंकि मैं कोई सामान तो बेच नहीं रहा, मैं सर्विसेज बेच रहा हूँ, CA सर्विसेज। तो मेरे पास जो वैट की गुल्लक थी ना, उसमें जो टैक्स जमा होता जा रहा था, पेपर का, पेन का, कंप्यूटर का और भी चीज़ों का, वो मेरा बेकार हो जाता था, वो लेस हो जाता था, मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता था। तो अगर मैंने 1 लाख की गुड्स परचेज करी पूरे साल में, 10,000 रुपये टैक्स मैंने पे करा, और मैंने 50,000 की सर्विसेज पे करी, और मैंने 5,000 रुपये उसमें टैक्स पे करा, तो वो 10,000 तो मेरे बेकार हो जाते थे। ये जो 5,000 वाला था, इसका मुझे बेनिफिट दे दिया जाता था सरकार द्वारा। तो इस प्रॉब्लम का कोई निदान नहीं हो पा रहा था कि भाई अब मैंने टैक्सों पे कराई है ना, मैंने ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई फर्जी चीजें खरीद ली और टैक्स पे नहीं करा, मैंने वो भी टैक्स पे कराया 10,000 का, मैंने ये भी टैक्स पे कराया 5,000 का। तो भाई जब मुझे तुम 5,000 का बेनिफिट दे रहे हो तो 10,000 का क्यों नहीं दे रहा है, जस्ट बिकॉज मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ,
तो मेरी आउटपुट सर्विस जो मेरी सर्विसेज है या आउटपुट मैं गुड्स बेचता हूँ उसके बेसिस पर मेरा पीछे का क्रेडिट क्यों खराब कर रहे हो, वो भी तो मैं पे करके आया हूँ। इसलिए ये एक प्रॉब्लम थी जो कि सर्विसेज और गुड्स आपस में जो उनका टैक्सेशन था वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, एक दूसरे को गुल्लक आपस में चेंज एक्सचेंजेबल नहीं करने देता था। और अगर मैं गुड्स का रजिस्ट्रेशन ले भी लूँ कि मैं वैट में भी रजिस्टर हो जाऊँ कि चलो मैं कुछ बेच रहा हूँ, तो मैं गुड्स का रजिस्ट्रेशन लेके मैं कोई गुड्स बेच तो पाऊंगा नहीं, तो वो मेरा अपना जो क्रेडिट था वो वैसे का वैसा पड़ा रहता और वो डेड हो जाता अपने आप, उसका मैं कोई यूज कर नहीं पाता क्योंकि वो मुझे मेन चाहिए। फायदा तभी होगा जब मैं सर्विसेज में उसको यूज कर पाऊंगा, अपनी आउटपुट सर्विस का टैक्स पे करते टाइम उसको यूज कर पाऊंगा, चाहे गुड्स में रजिस्ट्रेशन ले लूँ मैं वैट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देट वॉज वन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम थी कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। ये वर्ड जो है कास्केडिंग, ये याद कर लीजिए, ये आपको आप हर जगह आपकी स्टडी में और हर जगहों पे मिलेगा। आप जहाँ भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ भी जीएसटी का इंट्रोडक्शन आपके सामने आएगा, ये वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस क्या होता है, कास्केडिंग का क्या मतलब होता है, कास्केडिंग मतलब एक के ऊपर एक लगते जाना, ठीक है, कि कास्केड हो रहा है टैक्स, एक टैक्स लग गया, दूसरा टैक्स लग गया, फिर उसके ऊपर एक और टैक्स लग गया, ये प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हमारी इसमें आती थी, क्यों आती थी मैं बताता हूँ आपको। हमारा एक गुड्स के लिए सेंट्रल एक्साइज एक्ट हुआ करता था, ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया सब पे लगता था। सेंट्रल एक्साइज एक्ट क्या, उसका क्या मोडस ऑपरेंडी रहता था कि आप जब मैन्युफैक्चर कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स पे लगता था, आगे वालों पे होलसेलर रिटेलर्स पे नहीं लगता था। पर मैन्युफैक्चरर्स पे कैसे लगता था कि आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, आपने 100 रुपये का आइटम बनाया तो 12 रुपये 12.5 रुपये सेंट्रल एक्साइज पे करो और 4 रुपये वैट पे करो और अपने बिल में 100 रुपये और 12 रुपये। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, जो 4 रुपये यानी जो वैट का बेसिकली मान लो 3 या 4% जो वैट लगता था वो 100 रुपये पे नहीं लगता था, जो मैंने आइटम बनाया वो 100 + 112 पे लगता था। आई बात समझ आपको, 100 + 112 पर टोटल 4% वैट कैलकुलेट कराया था, यानी कास्केड हो गया ना इफेक्ट। 12 रुपये पर दोबारा टैक्स लग गया, 100 पर लगना अच्छी बात है पर 12 तो खुद ही टैक्स है सेंट्रल एक्साइज, तो तुम उस क्यों लगा रहे हो। पर वैट वाले नहीं मानते थे, वैट वाले कहते थे कि हम तो 12 रुपये पर भी लेंगे, हम तो 100 रुपये पर भी लेंगे, हमें नहीं पता कौन है सेंट्रल एक्साइज वाले, वो लोग जाए अपना तेल लगाने, हम तो अपना टैक्स वसूल के ही रहेंगे, बात खत्म। और फिर क्या होता था, तो ये बेसिकली एक तरीके से, अब आगे आप होलसेलर की बात करें तो होलसेलर के लिए तो वो अपना, अब वो 100 रुपये और 12 रुपये दोनों जो है कॉस्ट का पार्ट बन गए, ठीक है, उसको 100 रुपये 12 रुपये उसको जो 4% वैट दिया उसने, 4 रुपये या 5 रुपये जितना भी है वो, ठीक है, वो तो उसको उसका तो वो बेनिफिट ले लेगा 4 या 5 रुपये क्योंकि वो वैट में रजिस्टर्ड जरूर होगा। पर क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे एक्साइज लगती थी, तो फिर वो एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं होगा। एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि वो जो 12 रुपये पीछे दे के आया वो उसका कॉस्ट का पार्ट ही बनेंगे, तो इस तरीके से वो 12 रुपये फिर से कॉस्ट का पार्ट बन गए। अब इसने जैसे अगर सोचा था कि मैं 150 रुपये की चीज बेचूंगा तो वो 150 + 100 पे तो उन्होंने 50 रुपये का मार्जिन कैलकुलेट करा, पर 12 रुपये वो और जोड़ रहा है क्योंकि 12 रुपये तो कहेगा मेरे लिए डेड लॉस है, मेरे तो ये 12 रुपये चले गए, मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो 100 और 12 रुपये थे अब वो उसके लिए 150 और 12 रुपये ये दोनों को मिला के अब इस पर वो अपना फिर वेट कैलकुलेट करेगा 4% जितना भी होगा। तो ये प्रॉब्लम एक और इसमें आ रही थी कि अब हम इसमें क्या करें, 100 रुपये पे भी दें 12 रुपये पर भी दें, और इसलिए इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। यानी क्या हुआ, 100 रुपये अब इसमें हमारा वो लगा, उस पर 12 रुपये एक्साइज लगा 112, और इस पर क्या कहते हैं 4% और वैट लगा पूरे 112 पे, ना कि जो कि 100 पे लगना चाहिए था आइडियली, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। और इस पर जो भी 4% से लग के करीब जो भी 4-5 रुपये आता है वो रख के 118 रुपये मान लो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कहानी नहीं रुकी, जब सामने वाले के पास पहुंचा तो इसको जो भी ये मान लो अगर 4.5 रुपये है तो वो 4.5 रुपये को तो अपनी गुल्लक में यूज कर लेगा कि ये 4.5 रुपये तो मेरा ITC हो गया। पर अब इस जो 12 रुपये वो दे के आया इसका क्या करे वो, तो इस 12 रुपये को वो अपनी कॉस्ट में मान लेते थे कि ये 150 रुपये है प्लस ये 12 रुपये, अब मैं क्या कहते हैं इसको 162 का बेचूंगा,
ठीक है, 12 रुपये उसका प्रॉफिट नहीं है, उसकी मंशा नहीं है 12 रुपये लगाने की, पर उसको लगाना पड़ रहा है क्योंकि पीछे वो देखे आ रहा है उसको उस टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये भी इसके लिए बेकार गुल्लक का काम कर रहा है 12 रुपये का। 4.5 रुपये ठीक है, इसलिए 4.5 रुपये नहीं जोड़े क्योंकि अब वो 162 रुपये पर जो भी टैक्स बनेगा 4% 5% से, मान लो 6 रुपये 7 रुपये या 10-12 रुपये जो भी बन गया, 10 रुपये बन गया, तो वो 10 रुपये जब पे करेगा तो 4.5 रुपये को एडजस्ट कर लेगा उसमें से। पर प्रॉब्लम क्या होगी, 12 रुपये तो कहीं एडजस्ट नहीं हुए ना, ये मेन प्रॉब्लम हुई। तो इस वजह से इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, कि जो 12 रुपये एक्साइज के लग रहे हैं वो कॉस्ट में शामिल होते जा रहे हैं आगे वालों के लिए भी, और खुद फाइनली जो अल्टीमेटली पहले जो मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर और ये तो अपना होलसेलर था, ठीक है, इन दोनों को इसका बेसिकली बोझ वहन करना पड़ रहा था। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल टैक्सेस इन स्टेट एंड नो क्रेडिट ऑफ टैक्स इंटर स्टेट। क्या होता था कि जब हम एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य हम सेल करते थे, तो उस राज्य, जैसे ही हम एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, तो फिर इसमें लड़ाई होगी कि भाई ये सेल यूपी की मानी जाए या ये सेल हम एमपी की माने, क्योंकि यूपी वाले ने सेल कराए पर गया एमपी वाले के पास, है परचेज एमपी वाले ने कराए। तो इसमें क्या होता था कि एक सीएसटी हुआ करता था, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसे बोला जाता था, बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, आप नाम से समझ रहे हैं सेंट्रल। तो बेसिकली जो सीएसटी एक्ट के तहत सीएसटी लगता था टैक्स, वो करीब 2% लगता था, और ये 2% अगेन डेड कॉस्ट का काम करते थे। ठीक है, आप समझ रहे हो डेड कॉस्ट, कि अगर 100 रुपये का मैंने सामान बेचा यूपी से और एमपी में मैंने ये 2% ये लगा के 102 का बेचा, ठीक है, तो ये जो 2 रुपये टैक्स गया सीएसटी का, ये अगेन मेरे लिए डेड कॉस्ट है, मुझे इसका वही गुल्लक में कोई भी फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेंट्रल का टैक्स हो गया। फिर हम दोबारा यहाँ वाला बंदा ये यूपी का है, ये यूपी के वैट में कवर होगा, यहाँ वाला बंदा एमपी का है, ये एमपी के वैट में कवर होगा, यूपी के वैट वाले को एमपी के वैट वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये यूपी का वैट वाला है उसे एमपी के वैट से कोई मतलब नहीं है, और ये 2 रुपये तो वैसे भी कोई मतलब रखना चाहता भी नहीं है क्योंकि ये 2 रुपये तो सेंट्रल के हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो यानी इस ट्रांजेक्शन में 3 पार्टियां इन्वॉल्व हो गई, कौन कौन इन्वॉल्व हो गई, एक अपनी यूपी गवर्नमेंट हो गई, एक एमपी गवर्नमेंट हो गई और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीच में आके कहा कि यूपी से एमपी सेल हो रही है, तुम लोग अपना झगड़ा करते रहोगे, मुझे झगड़ा लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है, तो मैं तो एक काम कर रही हूँ, मैं 2% टैक्स लगा दे रही हूँ, शांति से अपना ये 2% टैक्स पे कर दो, काफी 4% वगैरह या जो भी 12% एक्साइज लगता है उससे बहुत कम है, 2% पे करो और अपना शांति पकड़ो। 2% टैक्स पे करके 102 में एमपी वाला ले आता था, और फिर वो अपने को 102 का ही कॉस्ट मानता था, वो 100 रुपये कॉस्ट नहीं मानता था अपनी, कि मैं 100 रुपये 50 रुपये मार्जिन लगा के 150 का बेचूंगा, वो 102 को ही कॉस्ट मानता था, और 2 रुपये फिर अपना जो ऐसी गुल्लक टैक्स सरकार के पास जाते थे जो कि बेकार के आते थे। एक्चुअली सारे टैक्सेस की क्या मंशा होती है कि जो भी एक ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, वो कोई अगर टैक्स दे के आ रहा है, अगर वो कोई टैक्स दे के आ रहा है उसको अगर उस टैक्स का आगे फायदा नहीं मिल रहा, ये कास्केटिंग इफेक्ट वाली बात ही एक तरीके से इसमें हो गई, कि अगर उसे पीछे दिए हुए टैक्सेस का फायदा नहीं मिल रहा, चाहे वो इस वजह से नहीं मिले क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज का अलग अलग बाइफर्केशन हो गया, चाहे इस वजह से नहीं मिले कि वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का बाइफर्केशन हो गया, चाहे इस वजह से नहीं मिले कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट हो गया फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर दिया, तो इन किसी भी वजहों से अगर टैक्स कि जो गुल्लक की चेन टूटती है और ऐसी गुल्लक में कोई ऐसा टैक्स रह जाता है जो बेकार हो जाता है, तब उस इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कमी मानी जाती है कि हाँ इस टैक्सेशन में कमी है, ये ऐसा टैक्स है जो कि सरकार के पास ज्यादती तौर पर गलत जा रहा है, जो नहीं जाना चाहिए, जो एक्स्ट्रा जा रहा है एक तरीके से, जो और अल्टीमेटली क्या है, सरकार वो भी जो होलसेलर और रिटेलर है वो जो 2 रुपये या पहले जो एक्साइज 12 रुपये दिए, वो भी तो उसको कॉस्ट का पार बना दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो हम लोग मर रहे हैं ना, जो कस्टमर है जो फाइनली जाके चीज खरीद रहे हैं, कि हमें भाई अब जो कोई चीज 100 रुपये पर 50 रुपये का मार्जिन जोड़ के 150 की मिल सकती थी, अब वो हमें 152 की मिलेगी, कोई चीज हमें अगर 100 रुपये प्लस उस पर अपना 4-4.5 रुपये टैक्स का लगा के मिल सकती थी, वो अब हमें 112 की मिलेगी। तो बेसिकली कस्टमर के नाम में ही मर होता है, तो वो कस्टमर ही मर रहा था, दैट वॉज द प्रॉब्लम विच वॉज बींग फेस्ड इन द ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्सेशन डिपार्टमेंट, स्पेशली इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा,
इसी का इन सबकी एक समरी पॉइंट एक तरीके से यही है कि जो मैंने आपसे बात करी गुल्लक वाली बात, आईटीसी की बात, चेन ऑफ आईटीसी की बात, वो टूट रही थी। चाहे जैसे ही अगर हम एक स्टेट चेंज कर लेते थे तो वो टूट जाती थी, अगर हम मैन्युफैक्चरर से खरीद के ला रहे होते थे तो वो टूट जाती थी, अगर हम गुड्स से सर्विसेज में चले जाते थे तो टूट जाती थी। यानी आप सोचो उसका कितना नैरो स्कोप हुआ हो रहा था उस समय, कि अगर मैं एक सिंगल गुड्स में डील करूं या सिर्फ गुड्स में तो 4-5 गुड्स में डील करूं और गुड्स ही खरीदूं होलसेलर से और रिटेलर हूं मैं और कस्टमर को बेचूं, बस तभी मेरा सेट ऑफ हो पा रहा है। क्योंकि होलसेलर्स पे जब मैं खरीद रहा हूं तो वो मेरे से सिर्फ वैट लगा रहा है, मैं कस्टमर को बेच रहा हूं तो मैं सिर्फ वैट लगा रहा हूं, वैट एडजस्टेबल टू वैट, वैट वैट को एडजस्ट कर रहा है और कहानी खत्म हो रही है। दिस वॉज द प्रॉब्लम विच वॉज बींग फेस्ड, कि एक ऐसे बस हम जो बीच में होलसेलर और जो एक रिटेलर है उसी को फायदा हो रहा है, बाकी किसी को फायदा नहीं हो रहा, और अल्टीमेटली तो उसको भी फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि आप सोचो होलसेलर ने वो पीछे जो एक्साइज थी 12 रुपए की वो अपनी कॉस्ट में शामिल कर ली थी ऑलरेडी, उसको रिटेलर को पता नहीं चला कि उसके बिल में लग के नहीं आई। बिल में किसके लग के आई? वो जब होलसेलर ने परचेज करी मैन्युफैक्चरर से तो उसने कहा ओहो भैया बिल में तो 12 रुपए लगे हुए हैं, ये 12 रुपए कैसे लग गए, 12 रुपए का हिसाब दो मेरे को। तब उसको ये सारी कहानी समझाया कर जाती थी एक्साइज वाली, पर रिटेलर को तो अपने बिल में भी नहीं मिलता था, उसकी तो 12 रुपए कॉस्ट में चले गए। उसने तो होलसेलर ने तो अपनी ऐसी कॉस्ट डिवाइस कर ली 12 रुपए जोड़ के, अब रिटेलर को दिख रहा है अच्छा चलो भैया वैट ही लगा है, मेरे पे तो एक्साइज नहीं लगा ना, मैं तो सुखी हूँ ना, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस ये चीज है। तो इस तरीके से ये वाली जो प्रॉब्लम थी आईटीसी की चेन तोड़ती थी, कि भाई कुछ भी काम कर लो तुम अलग सर्विस से गुड्स में चले जाओ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाओ, तो तुम्हारी आईटीसी की चेन टूट रही है। दिस वॉज द थिंग विच रिक्वायर्ड कि एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम लाए। क्या क्या प्रॉब्लम हुई हम प्रॉब्लम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये आपकी बहुत काम आएंगी आगे चल के, क्योंकि आप लोगों को जीएसटी तभी समझ में आएगा या समझ पाओगे जब आप पुराने टैक्सेशन की प्रॉब्लम समझोगे, राइट? तो पुराने टैक्सेशन की प्रॉब्लम क्या थी, सिंपल बात तो हम रिवाइज करें। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में टैक्स बेकार होता था, गुड्स का सर्विसेज में आपस में टैक्स बेकार होता था, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता था, यानी एक्साइज का वैट में समागलन नहीं हो पा रहा होता था, और आईटीसी की चेन टूटती थी। These were the problems which were being faced by the old indirect tax regime. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी परेशान होती थी इसमें, और भी जो मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बताऊं एडिशनल पॉइंट्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान होती थी कि जब यूपी यूपी में सेल हो रही है, जो रिटेलर सेल कर रहा है, जो होलसेलर सेल कर रहा है, तो हमें उस पर कुछ नहीं मिल पा रहा। मैन्युफैक्चरर से तो हमने वो 12 रुपये मैंने आपको बताया एक्साइज जो है सेंट्रल एक्साइज होती थी, वो सेंट्रल का टैक्स होता था, तो ये जब मैन्युफैक्चरर से तो हमने 12 रुपये ले लिए, पर आगे हमें कोई रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा लॉस हो रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी, स्टेट गवर्नमेंट सोचती थी कि हमें जो सर्विसेज भी मैंने आपको बताया सेंट्रल टैक्स का डिपार्टमेंट था, सर्विस टैक्स, एक्साइज और सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, ठीक है, जो वैट था वो अपना स्टेट गवर्नमेंट का था सिर्फ। तो वही प्रॉब्लम आती थी कि स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी हमें इन सब टैक्सेस में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा, हमारे स्टेट में तो खूब सी है भरत शर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं पर हमें कोई पैसा नहीं दे रहे हैं अपना, और उधर क्या कहते हैं सेंट्रल वाले बोलते थे कि तुम्हारे स्टेट में तो सब खूब अपना जूते बेच रहे हैं, टीवी बेच रहे हैं, मेडिसिन बेच रहे हैं, पर हमें वो कुछ नहीं दे रहे हैं, रिटेलर्स जो लोग हैं होलसेलर जो लोग हैं वो तुम्हारे पास ही जा रहा है वैट का। तो एक प्रॉपर बाइफर्केशन ऑफ टैक्स की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी सही सही अमाउंट जाए कुछ हद तक, 50-40%, 50-60% स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाए, दोनों भाई भाई आपस में योगी जी और मोदी जी दोनों खुश रहे, वो वाली चीज जीएसटी से पॉसिबल हो पाई है, पहले पॉसिबल नहीं हो पा रही होती थी। अच्छा अब हम जीएसटी की बात कर ही रहे हैं तो एक स्टार्टिंग में ये बात कर लेते हैं, इस फोटो को देख के आप थोड़ा मुझे लगता है उत्साहित हो रहे होंगे, पर ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी क्वारंटीन का माहौल है तो आप समझ ही रहे हैं कि जो ये वाली 3 गुड्स हैं जो कि जीएसटी में बेसिक तौर पर कवर नहीं होती है, बाकी सब चीज़ों पे जीएसटी लगता है, ठीक है, जीएसटी गायतोंडे है, वो भगवान है, वो सब चीज़ों को कवर करता है, बस इन 3 चीज़ों को छोड़ देता है, ठीक है, इन 3 चीज़ों से वैसे गायतोंडे का काफ़ी मतलब रहा करता था पर जीएसटी में वो कवर नहीं है, ठीक है। क्या है, पहली चीज़ अपनी एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, ये जीएसटी में बोल दिया गया कि इसको जीएसटी में नहीं लाया जाएगा, तो ये आज की डेट में भी अपने वैट से ही गवर्न होती है और सेंट्रल एक्साइज से गवर्न होती है। बेसिकली जब
बाहर से यूपी में या स्टेट में घुसती है तब सेंट्रल एक्साइज लगता है, और विद इन यूपी जब बिकती है तब उस पर वैट लगता है। ठीक है, तो ये आज की डेट में भी अपना जीएसटी में कवर नहीं हो पाई है। एक अपना ये है पेट्रोल पंप, बेसिकली पेट्रोल पेट्रोल डीजल, हाई स्पीड डीजल, स्पिरिट, ये सारी चीजें जो कि पेट्रोल पंप से आपको मिलती हैं, एक्सेप्ट लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट यानी जो एक ऑयल नहीं है जो पेट्रोल डालने के बाद हम कहते थे अपने स्कूटर में पुराने बजाज सुपर में, भाई साहब ये एक ऑयल का शेशे और डाल दो 10 रुपए का, 100 रुपए के पेट्रोल के साथ। तो वो जो ऑयल होता था वो ऑयल आज की डेट में भी जीएसटी में कवर है, पर बाकी चीजें जो पेट्रोल है डीजल है ये सारी चीजें इसमें कवर नहीं है। इसके अलावा लास्ट जो चीज कवर नहीं है जीएसटी में, और पहले भी कभी नहीं हुआ करती थी किसी भी टैक्स रिजीम में, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या? रियल एस्टेट, कि भाई कोई बिल्डिंग बन के बिक रही है, कोई घर बन के बिक रहा है, ये सारे जीएसटी में कवर नहीं है। कि तुमने घर खरीदे तो तुम्हारे पास घर के बिल बिल के संग आ गया 10 लाख रुपए का घर और 1 लाख रुपए उसके जीएसटी। इसमें जीएसटी कब लगता है वो आपको बहुत आगे की एडवांस लेवल स्टेज पर पता चलेगा, हो सका तो शायद भगवान की कृपा रही तो मैं ही बताऊंगा अगर ये क्वारंटीन लंबा चला गया तो। पर वैसे कि आपको बताऊं तो रियल एस्टेट पर जो बना बनाया रियल एस्टेट है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है जो पूरी बन चुकी है, लैंड है, खाली लैंड प्लॉट पड़े हुए हैं, उन पर जीएसटी नहीं लगता है। तो इन तीन चीजों की फोटो को याद रखिएगा जो जीएसटी में कवर नहीं होती है। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे कि हमारा किन बेसिकली टैक्सेस का समागम हुआ है हमारे जीएसटी में, समागमन, आई थिंक इट्स अ वर्ड, समागमन हिंदी राइट, तो इन टैक्सेस का समागमन हुआ है जीएसटी में। ठीक है, जो ऊपर वाले आप टैक्सेस देख रहे हो ना वो सारे सेंट्रल के टैक्सेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, और जो नीचे वाले आप टैक्सेस देख रहे हो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट वाले टैक्सेस हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की पहले हम बात करें तो हमारा एक इसमें सॉरी यहाँ पे एक सीएसटी गलत लिख दिया गया, सीएसटी यहाँ नहीं आएगा, सीएसटी इज ऑल्सो अ टैक्स विच इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट। तो ये सारे जो टैक्सेस हैं सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, सीवीडी स्पेशल सीवीडी, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक 2% वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये सारे जो थे ये सब जीएसटी में समागमन हो गए हैं इनका, और आज की डेट में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट वाले टैक्सेज हैं जो उसमें समागमन हुआ है जीएसटी में जिनका, वो है वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स। ये सारे जो टैक्सेस हैं अलग अलग, जैसे एंट्री टैक्स का एग्जाम्पल दूं मैं आपको तो वो पहले लोहे पर लगा करता था। ये एंट्री टैक्स का मतलब क्या होता था कि जब भी कोई स्टेट में कुछ गुड्स पर, बहुत ही कम गुड्स पर लगाया जाता था ये, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर घुसेगी, यूपी में आएगी, तो उसको एक एंट्री टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लोहे पर लगता था ये, तो वो एंट्री टैक्स होता था, वो इसमें जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया है। लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, थिएटर्स वगैरह में लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स, वो इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। एंड वैट ऑब्वियसली जो मेन टैक्स था, जो सबसे बड़ा टैक्स था, जो सारी गुड्स पर लगता था, जो कि जिसमें अगर कोई व्यापारी कवर्ड, सारे व्यापारी जो अगर हैं और रजिस्टर्ड हैं तो वो वैट में तो रजिस्टर्ड होते ही होते थे, अगर वो गुड्स में डील करते हैं तो वो वैट भी अब इसमें अलग अलग सारे के सारे स्टेट वैट्स इसमें जीएसटी में समागमन का हो गया। इसके अलावा सेंट्रल वाले में बात करें तो सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, सर्विस प्रोवाइडर्स का मेरे जैसे आर्किटेक्ट जैसे इंटीरियर डिजाइनर जैसे शाहरुख खान जैसे सलमान खान जैसे इन सब लोगों पर सर्विस टैक्स अपना लगता था। सीवीडी स्पेशल सीवीडी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको आपको एक बार कभी समय लेके समझा पाऊंगा। इट वॉज अ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ सेंट्रल एक्साइज जो कि इसमें लगती थी। अब सेंट्रल एक्साइज भी इसमें समागमन हो गया है जीएसटी में, तो इनका तो ये इसके भाई बंधुओं का तो साथ में होना ही होना था, तो वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स मैंने आपको बताया ही 2% वाला, वो भी इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, तो अब आज की डेट में ये सब अपने जो हैं भाई लोग अपने घर जा चुके हैं, और अब सबका मालिक अपना एक हो चुका है। ठीक है, जीएसटी सबका मालिक एक। अच्छा, अब हम इसमें बात करें कि जीएसटी बेसिकली आया, अच्छी बात है आया, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो किस तरीके से आया है, किस फॉर्मेट में आया है, कुछ उसके की पॉइंट्स आप जान लिए जाए, तो उसके ये कुछ की पॉइंट्स हैं। ये की पॉइंट्स पे हम गौर करें तो क्या क्या की पॉइंट्स हैं।
एक तो डुअल जीएसटी, जीएसटी दो तरीके से पूरे विश्व में लगाया गया है, या तो सिंगल जीएसटी या डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी क्या होता है कि जो कि मैं आपसे बात कर रहा था अभी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि वही ईगो प्रॉब्लम। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती मुझे नहीं टैक्स मिल रहा, स्टेट गवर्नमेंट कहती मुझे टैक्स नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब डुअल जीएसटी जो जीएसटी का फॉर्मेट है वो डुअल सिस्टम पे काम करता है आज की डेट में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स जीएसटी ही है, वो जीएसटी दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक स्टेट जीएसटी एक सेंट्रल जीएसटी, जिसे बोलते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी। ये शायद आपने काफी कहीं ना कहीं ये शब्द सुने होंगे, कहीं ना कहीं बिल वगैरह पे ये शब्द आपने लगे देखे होंगे। तो दीज आर द टैक्सेस, सेंट्रल सीजीएसटी एंड स्टेट सीजीएसटी। स्टेट का सबका अलग अलग है, यूपी का एसजीएसटी यूपी का एसजीएसटी, एमपी का एसजीएसटी एमपी का एसजीएसटी है, राजस्थान का एसजीएसटी राजस्थान का एसजीएसटी है, पर सबका सीजीएसटी जो है वो सबका सेम है। इट इज सीजीएसटी ओनली, इट इज ऑफ अ सेंट्रल, इट इज अ टैक्स ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दीज आर द टैक्सेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पर ये लगते एक साथ है, ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि टैक्सेशन सिस्टम ही अलग हो, जैसे सर्विस टैक्स में अलग चल रहा था, वैट में अलग चल रहा था, नो, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर सेम, दीज आर अप्लाइड इन अ सेम ट्रांजेक्शन, ये इसके बारे में अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने तो बोला कि डुअल जीएसटी का जो है प्रिंसिपल है, इट एनेबल सेंटर एज वेल एज स्टेट टू कलेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेस। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी, हमने इसके बारे में डिस्कशन करा था कि सर्विसेज पर स्टेट को नहीं मिल पा रहा था और गुड्स पर सेंट्रल को बस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक्साइज मिल पा रहा था, आगे का वेस्ट नहीं मिल पा रहा था। वो समस्या यहाँ सॉल्व हो गई कि सर्विसेज और गुड्स, एक तो जीएसटी है तो दोनों ही कवर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है वो ऑब्वियसली, एंड सेकेंड थिंग इज दिस कि डुअल नेचर का है, तो दोनों इस पर अपना बराबरी की हिस्सेदारी भाई बहन अपने दोनों रखेंगे, ठीक है। योगी जी भी खुश, मोदी जी भी खुश। अच्छा, अब जो डुअल जीएसटी में जो चार टैक्सेस होते हैं जो लगते हैं किसी ट्रांजेक्शन पर, वो कौन से होते हैं? सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल का है, एसजीएसटी अपना जो स्टेट होगा उसका है, उसके अलावा एसजीएसटी स्टेट के अलावा दो चीजों पे और लगता है, वो कौन सी है? यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, यानी उस यूनियन टेरिटरी जिसकी अपनी गवर्नमेंट है, अपना कानून है, बट दे आर कवर्ड इन यूनियन टेरिटरी। जैसी कौन सी? सबसे बड़ा एग्जाम्पल केजरीवाल जी की दिल्ली, दिल्ली एंड पॉन्डिचेरी आर द टू एग्जाम्पल्स जिसमें एसजीएसटी लगता है, ना कि यूटीजीएसटी। दूसरी तरफ यूटीजीएसटी कौन सा है? जिनकी अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं है, जिनका अपना कोई कानून नहीं है, अंडमान निकोबार हुआ आपका, लक्षद्वीप हुआ, ये वाली जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये अपना यूटीजीएसटी लगाती हैं। और आईजीएसटी कौन लगाता है? आईजीएसटी भी लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। आईजीएसटी सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजेक्शन पर लगता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर सेल होने पर होते हैं, ठीक है। यूपी से एमपी सेल करी, एमपी से राजस्थान सेल करी, यूपी से दिल्ली करी, यूपी से बिहार लूटा आपने, तो तब ये आपको लगाना होता है अपना आईजीएसटी, ठीक है। वरना सीजीएसटी और एलजीएसटी लगता है, या सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है, ठीक है। तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? या तो ये दोनों लगेंगे, या ये लगेगा, या ये और ये लगेंगे, ठीक है। आई ना बात समझ? तीन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, या तो सी और एस लगेगा किसी ट्रांजेक्शन में, या सिर्फ आई लगेगा, या सी प्लस यू लगेगा, और इन तीनों में से कोई एक ही लगेगा एक ट्रांजेक्शन में। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों लग जाए, या तो ये या तो ये या तो ये, 1 2 3, समझ गए ना? कौन सा कब लगना है? आई अपना लगना है आईजीएसटी बेसिकली, जब अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है। सी और एस लगना है जब एक ही स्टेट के अंदर सेल हो रही है, एक ही यूपी में मैंने इनको बेचा, इन्होंने इसको बेचा, वगैरह सबने यूपी के अंदर ही बेचा, तो वो ये लगना है। और ये कब लगना है? सी प्लस यू, जब आपने विद इन एक यूनियन टेरिटरी ही बेचा, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी के केस में जो सी और एस में ये याद रखना है कि सी और एस भले ही दिल्ली और पांडिचेरी यूनियन टेरिटरीज में काउंट होते हैं, पर उनमें सी और एस लगता है, ठीक है। अब बाकी जो अपनी यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और बाकी की आप ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा, वैसे आपको बता दूंगा, तो उन पर अपना सीजीएसटी और यूजीएसटी लगता है, ठीक है। तो यानी ये लगेंगे दोनों, या ये दोनों लगेंगे, या ये फिर अपना अकेला भाई लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसमें क्या इसका होता है कि इसमें जो अब गुड्स की बात हो गई, ठीक है, गुड्स आ गई, सर्विसेज आ गई, अब उनके रेट डिसाइड होंगे कि भाई किस पे क्या रेट लगेगा, 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा, 28 लगेगा, 3 लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है ना। तो
उसके लिए एक HSN कोड और SAC कोड का सिस्टम इसमें डिजाइन करा गया है। HSN कोड जो होते हैं वो गुड्स के लिए होते हैं, ठीक है, और SAC कोड जो होते हैं वो सर्विसेज के लिए होते हैं। SAC इज सर्विस अकाउंटिंग कोड एंड HSN इज हारमोनियम सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये जो बेसिकली होता है अपना ये डिटरमाइन करता है कि 8 डिजिट का होता है। HSN की बात करें हम तो वो 8 डिजिट, जैसे अगर शर्ट है, जैसे कॉटन शर्ट है, जैसे बेडशीट है, जैसे लैपटॉप है, टेलीविजन है, सबका अलग HSN कोड होगा और उस HSN कोड अलग होने की वजह से सबका रेट ऑफ टैक्स भी अलग होगा, ठीक है ना। अच्छा, HSN कोड के अलावा ये थोड़ी आगे की बातें हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम का एक इसमें सरकार ने बेनिफिट दिया हुआ है कि जो छोटे छोटे अपने स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको कॉम्पोजिशन स्कीम का एक मौका दिया गया है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो जिसमें रिलेटिवली काफी कम कंप्लाइसेंस है और काफी कम रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है। वो कभी हम आपके संग आगे डिस्कस करेंगे, पर एक इसमें कॉम्पोजिशन का ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें एग्जेम्पशंस होती हैं कि काफी चीजें जो सरकारी जरूरी इसकी समझती है कि आटा, दाल, चीनी, सब्जियां, ये सारी जो चीजें हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सर्विसेज में आ गया, ये सब सरकार ने एग्जेम्प्ट करी हुई है कि इन पर कोई टैक्स नहीं लेगी GST के अंतर्गत, क्योंकि वो कोई भी नेसेसिटी जो लाइफ की चीजें होती है उस पर बर्डन नहीं डालना चाहते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट जो मैंने इसमें पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली जहां पे सेल होगी उस सरकार का हक होगा इस पर टैक्स कलेक्ट करने का। जैसे यूपी वाले ने सेल करी, एमपी वाले को सेल करी, ठीक है, सेलर यूपी का है, बायर एमपी का है, मैंने यूपी से एमपी में सेल कर दी, अब इस ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स का हक होगा वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का होगा, ना कि यूपी गवर्नमेंट का, क्योंकि इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये अल्टीमेटली कहाँ सेल हो रही है, अल्टीमेटली, वैसे इसमें सेल वर्ड खत्म कर दिया गया, इसमें सप्लाई वर्ड करा गया है यूज, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अल्टीमेटली कहाँ सप्लाई हुई है, एमपी में सप्लाई हुई है, बस बात खत्म। एमपी इज द डेस्टिनेशन, एमपी विल कलेक्ट द टैक्स ऑन दिस ट्रांजेक्शन एंड नॉट द यूपी, ठीक है। और लगेगा तो उस पर IGST, जैसा कि मैंने आपको बताया यूपी से एमपी जाने पर लगेगा तो IGST, तो वो लगाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पर सेंट्रल गवर्नमेंट उस IGST में से कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश को दे देगी और कुछ अपने पास रख लेगी, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं देगी, ये बात है। अच्छा, ये सारे के बाद अब मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन और रखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आज की हम अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए ये समझ में आए और आपको ये क्लास पसंद आई तो मुझे अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में आपको वो सारी चीजें ग्रेस्प हो रही हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी इस GST एक्ट में, ठीक है। आप ये कहाँ कर सकते हैं, आप ये मेरे को मेरे फोन पर कर सकते हैं, माई फोन नंबर इज 8923514796, ठीक है। फेसबुक पर मेरा नाम भरत शर्मा ही है, आप मेरे से फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली आप मुझे यहाँ पे कॉल करके या कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करें तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम भी मेरे से डिस्कस करें, और अगर प्रॉब्लम नहीं आया, आपको नॉर्मली सब समझ में आ गया है, तो फिर आप मेरे से इसमें जरूर मुझे इस पर अपना फीडबैक दीजिए कि सर आपको इसमें अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, सर ये कमी रही, सर ये कमी नहीं रही, ये सारी चीजें मेरे से डिस्कस करिए। तो सब अगर हमें सही लगता है, सही रहता है, तो आगे चल के मैंने एक आपके लिए बहुत एक इलेबोरेटिव एक इलस्ट्रेशन बनाया है जो कि आपको पूरा का पूरा GST एक तरीके से समझा देगा कि ये लगता किस तरीके से प्रैक्टिकली। बहुत हमने थ्योरेटिकल बातें कर ली, समझ ली, पुराने टैक्सेशन से कंपेयर कर लिया, अब बिल्कुल धरातल पर आकर बात करेंगे कि हाँ ये लग कैसे रहा है। सर हमें 100 रुपए की एक गुड्स को खरीदना बेचना, उसको 5 बार मैंने इसमें खरीदा बेचा है, तो 5 बार सर खरीद बेच के मुझे उसको एग्जाम्पल को समझाओ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो हम उसको वैसे समझेंगे। वैसे आपका इलस्ट्रेशन तैयार रखा है, बस आप लोगों के मेरे संग एक बार रूबरू होने की देरी है, ठीक है। गाइस, थैंक यू वेरी मच, लव यू।